ये है पत्रकार रमन कश्यप का घर। आज रमन इस दुनिया में नहीं है। उनके जाने के बाद उनका घर मानो वीरान हो गया है। परिवार में कहने के लिए तो सब जी रहे हैं, लेकिन वो दर्द आज भी नहीं गए जो 3 अक्टूबर 2021 के मनहूस दिन पर उन्हें मिले थे। लखीमपुर खीरी का तिकुनिया इलाका, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए किसानों की एक टोली सड़क से आगे बढ़ रही थी। रमन भी उस न्यूज को कवर करने के लिए किसानों के साथ चल रहे थे। पलक झपकते ही मानो जलजला आ गया। हाई स्पीड से गाड़ियां आई और किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई और अनियंत्रित हो गई। कुछ समय के लिए तो मानो सब कुछ थम सा गया, फिर शोर शराबा हुआ और कई लोग मारे गए। उस घटना में रमन कश्यप की भी जान चली गई। पेशे से टीचर रमन कश्यप ने मरने से कुछ दिन पहले ही स्थानीय स्तर पर पत्रकारिता शुरू की थी। न्यूज कवर करने के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। उनके परिवार को उनका शव अगले दिन सुबह लखीमपुर खीरी अस्पताल की मोर्चरी में मिला। रमन कश्यप की मौत को लेकर कई तरीके के दावे किए जाने लगे। हालांकि इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि ना ही उन्हें गोली मारी गई और ना ही डंडों से पीटा गया। रमन मौत के मामले में आशीष मिश्रा को अभियुक्त बनाया गया, जो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं। तमाम कानूनी दांवपेच, पावर पॉलिटिक्स लगाने के बाद भी केंद्रीय मंत्री अपने बेटे को बचा नहीं पाए और उन्हें जेल जाना पड़ा। जमानत की खबर सुनते ही पत्रकार रमन कश्यप के घर वाले खौफ के साए में जी रहे हैं। रमन कश्यप के भाई ने यूपी तक से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन अजय मिश्र की जमानत के बाद वो लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तिकुनिया हिंसाकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को 8 हफ्ते की जमानत दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है, उस पर तो मुझे कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमें माननीय सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है और काफ़ी उम्मीदें भी हैं कि आखिर में न्याय मिलेगा हम लोगों को, नाइंसाफ़ी नहीं होगी हम लोगों के साथ में। हाँ, थोड़ा सा एक भय तो उत्पन्न हुआ है कि जिस हिसाब से जो इंसान हजारों की संख्या में वहाँ पर उस दिन किसान मौजूद थे और प्रशासन था इतना, इतनी सुरक्षा लगी हुई थी, उसके बावजूद भी किसानों को कीड़े मकोड़ों की तरह रौंदते हुए चले गए, तो ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है। ऐसे कुकृत्य से इनकी दबंगई साफ जाहिर हो चुकी है, थोड़ा सा एक भय का तो लगता है। हालांकि सुरक्षा उन लोगों को मिली है, लेकिन पिताजी इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और सरकार है इनकी, तो कुछ भी हो सकता है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।